कोई गरीब बंधु होंगे तो उनका बेड चार्ज मैं फ्री कर दूंगा। फ्री करने हजारों हजार रुपए कहा जाता है कि उसी में कमाई होता है, उस चीज को आप फ्री कैसे कर दीजिए? जी वो तो जैसे भी होगा, हमें तो करना है क्योंकि सेवा भावना भी तो रखना है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में, और राजधानी पटना में कंकरबाग में अशोक नगर है, और वहाँ पर रोड नंबर 3 में आज प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। उसी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, और उसके जो डायरेक्टर है हमारे साथ अभी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रियरंजन जी। आज इस नए हॉस्पिटल का इनका उद्घाटन हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर, सबसे पहले आप मीडिया बंधु को नमस्कार करता हूं। तो आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, कितनी खुशी है। ये हमारी वर्षों से तपस्या का फल है। मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि हमारे नीरो स्पाइन के केस दिल्ली मुंबई की तरफ रुख कर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि पटना के अंदर में एक नीरो स्पाइन का, ब्रेन स्पाइन का केस हॉस्पिटल मैं खोलूं, ताकि यहाँ के गरीब तबके के लोग और जो नीडी लोग हैं उनको हम सहायता प्रदान कर सकें। मतलब बेहतर सर्विस देने के लिए आप इस तरह की सोच रखते थे, और सोच को आज साकार किया है आपने। जी, आज हमने साकार किया, और हमारे मंत्री जी मंगल पांडे जी ने भी बोला है कि इसको जितना अच्छा हो सके अच्छा कीजिए, और गरीब लोगों के लिए जितना बेहतर हो सके उतना हेल्प कीजिए। क्या 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 गरीबों के लिए सुविधा है? क्योंकि अन्य अस्पताल में जब जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि पैसा चूस लिया जाता है, तो उनको कैसे आप संतुष्टि करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई गरीब बंधु होंगे तो उनका बेड चार्ज मैं फ्री कर दूंगा। फ्री करने वाले? जी, फ्री कर दूंगा। अगर कैपेबल नहीं है, नहीं दे सकते, तो कोई इशू नहीं, नॉट इशू, फ्री कर दूंगा। दूसरी बात कि हर संडे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको मैं बीपी शुगर प्रत्येक संडे को मैं फ्री रखने वाला हूँ उन लोगों के लिए। मतलब चेकअप भी फ्री? जी, चेकअप भी। हजारों हजार रुपए कहा जाता है कि उसी में कमाई होता है, उस चीज को आप फ्री कैसे कर दीजिए? जी वो तो जैसे भी होगा, हमें तो करना है क्योंकि सेवा भावना भी तो रखना है। मतलब भगवान का स्वरूप जो डॉक्टर को कहा जाता है, उस चीज को उतारना है, सही बनाना है उस चीज को। देखिए, डॉक्टर को तो भगवान का रूप बोला ही जाता है, बट डॉक्टर एक माध्यम है। भगवान का रूप आप लोगों ने दर्जा दिया है, आप लोगों ने बोला है, बट मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मैं भगवान होता तो 100% रिजल्ट देता, बट भगवान नहीं होने के कारण हम लोग बेहतर से बेहतर सर्विस, बेहतर से बेहतर इलाज करते हैं, ताकि अच्छा से अच्छा हो सके। और इसी रूप को जो हम हमारे हाथों से जो बचता है, जो इलाज करते हैं, जो जीता है, तो आप लोग हमें भगवान का दर्जा, डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। अस्पताल में क्या क्या सुविधा रहने वाली? अस्पताल में ब्रेन स्पाइन का सर्जरी, ओपीडी और सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, और आपको फार्मेसी, आईसीयू, बेडेड वगैरह, और अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट, नीरो एमसीएच डॉक्टर, ये सारे हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध मिलेंगे। मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधा है, सिंगल विंडो सिस्टम आपने उतार के रख दिया। जी, ये सिंगल विंडो, यस। तो यहाँ पर कितनी ईमानदारी से आपको जवाब देते हुए नजर आ रहा है कि भगवान का रूप नहीं है, बस लोगों ने उस दर्जा दे दिया है डॉक्टर्स को भगवान के रूप में। और यहाँ पे जो डॉक्टर आने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? अभी तो पीएमसीएच के भी डॉक्टर हैं, और एम्स ऐसे भी पढ़कर पास हुए हैं कुछ डॉक्टर, वो लोग भी आने वाले हैं। इसी तरह के सभी डॉक्टर से कंसल्ट हमने कर रखा है। मतलब नए तकनीक का प्रयोग होगा? कुछ दिल्ली के भी डॉक्टर हैं जो पटना एंट्री किए हैं, तो वो डॉक्टर को भी मैंने यहाँ जोड़ा है। आगे आने वाला समय में क्या स्कीम रहने वाला है हॉस्पिटल की तरफ से? आगे तो आयुष्मान भारत लेकर मैं गरीब से गरीब गांव तबके के लोगों को भी इलाज करने में सक्षम हो जाऊंगा। और दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस एंड रिवर्समेंट दोनों करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अस्पताल में आप देख सकते हैं कि हम अभी मौजूद हैं आईसीयू कक्ष में, और आईसीयू कक्ष में क्या कुछ सुविधाएं हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सुविधाओं से लैस यह अस्पताल बनाया गया है। और कहीं ना कहीं प्रियरंजन, डॉक्टर प्रियरंजन जी जो है इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं और किस तरह से इस हॉस्पिटल को मॉडिफाई करवाए हैं, किस तरह से मॉडलिंग करवाए हैं, आप तमाम सुविधाओं को देख सकते हैं। इधर जो बेड है, बेड के साथ साथ हर एक आईसीयू में उपलब्ध रहने वाली सेवाएं दी जाएगी, हर एक सुविधाएं दी जाएगी। और यहाँ तमाम बेड जो है आप देख सकते हैं हाइजेनिक किस तरह से रखा गया है इस अस्पताल का हर कुछ सिस्टम को। और इससे सबसे बड़ी चीज़ होती है अस्पताल में वो हाइजेनिक, यानी कि साफ सुथरा सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हैं फर्श से लेकर अर्श तक जो है वो सारा एकदम साफ हाइजेन मेंटेन करके रखा गया है। और तमाम सुविधाओं के साथ साथ जो है अब हम ओटी में जा रहे हैं। यह न्यूरो स्पाइन का बेस्ट हॉस्पिटल कहा जा रहा है और यह कहीं ना कहीं पटना शहर में कंकरबाग अशोक नगर रोड नंबर 3 में यह प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल का यह कहीं ना कहीं पूरा आवरण आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो है ओटी है, न्यूरो स्पाइन का ओटी है। न्यूरो स्पाइन के लिए लोग पलायन कर जाते हैं बिहार के अलावा अन्य राज्य की तरफ जहाँ पे अच्छा इलाज होता है। लेकिन आप आपको कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, वह सारा सुविधा सारा सेवा जो है यह प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल में मिलने वाला है। तो आप इन सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो न्यूरो स्पाइन से संबंधित तो इस दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और इस अस्पताल में आकर अपना हर तरह से सेवा ले सकते हैं। संडे को यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का एक कैंप लगाया जाएगा और उस कैंप में आपको मुफ्त में सारा चेकअप की सुविधा मिलेगी। तो तमाम इस तरह की सुविधाओं के लिए आप इस अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।